मध्य प्रदेश में जब से कांग्रेस की कमलनाथ सरकार बनी है तब से अपराध और अपराधियों पर सरकार की लगाम नहीं लग रही है। मध्य प्रदेश में पिछले 6 दिन के अंदर 3 बड़ी हत्या की घटना घटित हुई, जिसमें इंदौर के बाद मंदसौर और उसके बाद बड़वानी में जो सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल निशान खड़ा कर रही है। पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगड़ चुकी है, जो प्रदेश की जनता में अपराधियों के भय को सरेआम दिखाई देने लगी है। गुरुवार के दिन मंदसौर में नगर पालिका अध्यक्ष की शाम को 7 बजे घनी आबादी वाले क्षेत्र में बुलेट सवार युवक ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, लेकिन मंदसौर पुलिस ने 36 घंटों के भीतर आरोपी को पकड़ लिया। और 20 तारीख शनिवार के दिन मंदसौर एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोपी को मीडिया के सामने खड़ा कर दिया, जिसमें आरोपी ने मात्र 25,000 रुपए के पीछे इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया और अपराधी में कोई भय भी नहीं है और इस बात का कोई भी मलाल नहीं है कि उसने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया। और तो और प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया को भी अपराधी से ऐसे बात कराई गई जैसे कोई अपराधी नहीं कोई खास व्यक्ति हो। किसी भी अपराधी से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कभी भी किसी भी मीडिया को बात नहीं कराई जाती है। देश भर में शायद ये पहली बार ही ऐसा हुआ है कि मंदसौर एसपी ने अपराधी को मीडिया से रूबरू करवाया हो। मनीष बैरागी के द्वारा अपने जुर्म को कबूलने की जो बात है वो ना मीडिया को पच रही है, ना आम जनता को और ना ही पूरे प्रदेश के बीजेपी के बड़े नेताओं को। सभी का यही मानना है कि क्या कोई इतने बड़े पद पर बैठने वाले को मात्र 25,000 रुपए के पीछे मार सकता है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह, राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने मंदसौर के एसपी के द्वारा कराई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सभी ने उच्च स्तरीय जांच की मांग कर दी है। प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ से वहीं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही गई मनीष बैरागी की बातों पर यकीन नहीं हो रहा है, जिसके कारण रविवार को मंदसौर तेली समाज और सभी समाज के आम नागरिकों, महिलाओं और बीजेपी के नेताओं ने मौन जुलूस निकाला और पुलिस कंट्रोल रूम पर पहुंचकर एडिशनल एसपी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री कमलनाथ, गृह मंत्री बाला बच्चन, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जबलपुर और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह से सीबीआई की जांच करवाने के लिए ज्ञापन सौंपा गया, जिससे इस हत्या की अनसुलझी बनावटी कहानी के पर्दे खुल सके और इस हत्या में जो दोषी नदारद हैं उनको भी उजागर कर सके। तो बहुत दुखद है और बहुत ही गंभीरता से इसको प्रशासन को लेना चाहिए। मजाक बन जिस तरीके से कमलनाथ जी का बयान आया और उन्होंने जैसे लाइन दी हो उसी लाइन पर पुलिस अधिकारी पूरी स्टोरी को डेवलप कर रहा है ऐसा लग रहा मुझे। नगर पालिका अध्यक्ष जवाब का भारतीय जनता पार्टी का 25,000 रुपये के लिए उसका मर्डर कर दिया। उस अपराधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों के बीच में करें, मेरे को तो आश्चर्य हुआ आज तक कहीं मैंने देखा नहीं कोई अपराधी है प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। कमलनाथ जी ने जो बयान दिया उस बयान के अनुसार पूरा प्रशासन उसकी स्टोरी बनाकर स्टेब्लिश कर रहा है, हमें तो इसमें बहुत बड़ा एक्सपीरियंस नजर आ रहा है। 25,000 रुपये के पीछे कोई 1,00,000 रुपये की पिस्तौल खरीदेगा और मर्डर करेगा, मतलब ये तो ऐसा मजाक है कि बहुत ही समझ नहीं आता कि क्या मांग रखे हैं यहाँ। इसकी उचित से जांच होना चाहिए, बहुत गंभीर विषय है। मैं तो बहुत यहाँ पर आकर सदमा हुआ मुझे, इसलिए कि मेरे मित्र राजेश जोशी थे उनका भी इसी प्रकार मरण हुआ था और मुझे लगता है कि इसके पीछे कोई बड़ा षड्यंत्र है और पुलिस को इसकी जांच करना चाहिए। मुख्यमंत्री जी की कहानी को डेवलप करने के बजाय इसके पीछे कौन लोग हैं, 25,000 रुपये के पीछे इतने बड़े आदमी का कोई मर्डर नहीं कर पाया। 25,000 रुपये के पीछे वो 1,00,000 रुपये की बंदूक खरीद के किसको मारेगा, मतलब इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है। इस पूरे प्रकरण को पुलिस ने मजाक बना दिया, पुलिस स्वयं मजाक बन रही है और हम पुलिस के इस कृत्य की निंदा करते हैं और हम उच्च स्तरीय जाँच की मांग करें।